धन्यवाद। सबसे पहले एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। मंच पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर शिक्षा में एक चमत्कारी बदलाव के लिए जाने जाते हैं, मैं उनका, उनके साथ ही नई दिल्ली की डीसी साहब, एडीसी साहब, एसडीएम और यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और सभी माताएं बहनों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि इस बदलाव की राजनीति के अंदर आज इन देशभक्तों को याद करने के लिए जो 26/11 का हमला हुआ ताज होटल के ऊपर, पूरी दुनिया जानती है उन शहीदों को और उनके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के और फायर सर्विस के और जो दिल्ली के अंदर हमारी रक्षा करने वाले, हमारी एकता अखंडता और हमारी रक्षा के लिए जो जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अपनी ड्यूटी को एक कर्तव्य निष्ठा नाम निशान और झंडे के मंत्र को रखते हुए उन परिवारों को मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं कि आज जो है दिल्ली सरकार पूरी दुनिया के अंदर अपने कर्मचारी, अपने सिपाही, अपने सैनिक और अच्छा काम करने वाला चाहे कोई सिविल आदमी क्यों ना हो, जो समाज की रक्षा करते हुए ईमानदारी के साथ अगर सिविल आदमी की भी जान गई है तो उसको भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने जो ना 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दे के उनके परिवार का धीर बढ़ा है। और आज दिल्ली के साथ साथ दिल्ली कैंट के अंदर जितने भी स्कूल दिल्ली कैंट के अंदर थे, टेंटों के अंदर बच्चे पढ़ते थे, सैंड के अंदर बच्चे पढ़ते थे, ऐसी बिल्डिंग बनाई है, अगर आप जाके देखो स्कूल के अंदर सारी सुविधाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम टीचर और कैंट के स्कूलों का 100% से भी जो ना हर स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है। और साथ ही नरेंद्र गांव का जो स्कूल है, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब एक दिन वहां से निकल रहे थे तो स्कूल में औचक दौरा किया और उसी दौरे के दौरान कहा कि स्कूल को एक ऐसा स्कूल बनाओ, मॉडल स्कूल बनाओ इसको, और इसके अंदर स्विमिंग पूल, इसके अंदर प्लेग्राउंड और 100 कमरे दिल्ली कैंट विधानसभा के मैदान में स्कूल के अंदर बनाने के लिए चलते चलते निर्देश दिया। ऐसे महान आदमी का जो शिक्षा के लिए बच्चों के प्रति बगैर किसी डिमांड के, बगैर किसी, हर स्कूल के अंदर कईयों बार तो ऐसा होता है कि हमको पता नहीं चलता पर मुख्यमंत्री साहब दिल्ली कैंट के स्कूल का दौरा करने के लिए सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं। दिल्ली कैंट की जनता के लिए मीठा पानी नहीं था, मोदी भाइयों के पास भी पानी की कमी थी। मैंने एक बार मीटिंग में जाके बात रखी तो माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने पूरी फौज के लिए और दिल्ली कैंट की जनता के लिए कहा, अब दिल्ली कैंट के अंदर सिविल आदमी भी जो रह रहा है वो भी फौजी है, वो भी पूरा फौज की पूरे साथ में। 90 लाख लीटर पानी फौज के लिए, 45 लाख लीटर पानी दिल्ली कैंट की सिविल जनता के लिए तुरंत प्रभाव से मंजूर करवाया और 27 करोड़ रुपए की लागत से फौज के लिए संकल्प यहाँ तक पानी की लाइन डलवाने का काम किया और सिविल जनता सिविल गांव के लिए 6 करोड़ 35 लाख रुपए मंजूरी गई विधायक पद से एक ही साथ एक मुश्त काम करने के लिए। और जब भी किसी काम के लिए या कभी भी मैं पहुंचता हूं तो आगे से आगे बढ़ के हर काम के लिए, चाहे गलियों का काम हो, चाहे रोडों का काम हो, आप सदर बाजार के अंदर, गोपीनाथ बाजार के अंदर, खैरा नगर गांव के अंदर, और नगर गांव के अंदर, खेलेड़ा गांव के अंदर, आप
रही है, लाइट सफेद कर रखा पूरा, ये बड़ी शिशोदरा जी की देन है। तो क्योंकि जो पैसा जो भ्रष्टाचार होता था उस भ्रष्टाचार को रोका है। जिस दिन इन्होंने खजाने की चाबी ली थी 30,000 करोड़ रुपए का बजट था, और आज दिल्ली का 63,000 करोड़ रुपए का बजट है। ये ईमानदार आदमी के पैसे की देन है। अगर खजाने के ऊपर पहले टाका डलता था, ऐसे ही टाका डलता रहता, तो वैसे ही गलियां रहती, वैसे ही सीवर रहते, ना लाइट होती, ना कैमरे होते, ना बुजुर्गों की पेंशन डबल होती, और ना नए नए स्कूल बनते। तो ऐसे आदमी के हाथ में हमने दिल्ली के खजाने की चाबी दे रखी है। अब जो 30,000 करोड़ से 63,000 करोड़ के ऊपर खजाने को लेकर चला, मैं शुरू करता हूं। जब 26/11 के हमले में पीछे बुलवा, और तब पार्टी का गठन, आज ही के दिन आम आदमी पार्टी का गठन किया गया जंतर मंतर से। पहले आदमी थे मनीष सिसोदिया जी, जो ये कहने वाले आम आदमी पार्टी का जो चुनाव लड़ाया जाएगा सबसे पहला उम्मीदवार कमांडो सुमंदर जी है, सच के वचनों से। और सच में जो है दिल्ली के कैंट के लोगों के सामने सुप्रीम किया, और सबसे पहले मैरम नगर गांव के अंदर बुला के, और वहां से जो है मेरा चुनाव लड़ने का बिगुल बजाया। और आज इस शहीदों के सम्मान दिवस के ऊपर 26/11 के इस ऐसे अवसर के ऊपर था, सैकड़ों आदमियों ने अपनी जान गंवाई, और जो है NSG के 2 कमांडो शहीद हुए, और 11 बंदे जो है मेरे साथी उसमें डिसेबल हुए। उस घड़ी को जब भी याद करता हूं, जब भी कभी महसूस करता हूं, तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, ऐसा मौका कभी जिंदगी में किसी के साथ ना आए। और आज चारों तरफ चाहे किरवी प्लेस की झुग्गी की बिजली की बात हो, जब किरवी प्लेस की झुग्गी की कोर्ट के अंदर जीतने के बाद भी जो है बीजेपी वहां कलेक्टर नहीं लगाने दे रही है, NOC नहीं दे रही है, और जबकि ये क्लियर हो गया है कि दिल्ली कैंट के अंदर ही नहीं, पूरा दिल्ली के अंदर जो है ना आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री कर दी है। परंतु मुझे बताया उसके बाद उन लोगों के लिए भी समाधान निकाला। डिप्टी CM साहब को मैंने जब जाके घर पे बताया, अक्सर ऐसे ऐसे बात है, कोर्ट के आदेश के बाद भी बिजली नहीं लगाने दे रहे हैं, वहाँ हजारों आदमी रह रहे हैं, गरीब बच्चे रह रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी शिक्षा के ऊपर असर पड़ रहा है। तो मनीष सिसोदिया जी ने मुझे बताया, आप वहां पे सोलर लाइट लगाने का काम करो, और विधायक फंड से आप सोलर लाइट लगवाओ, और मैं जो है ना UD से परमिशन दिलाऊंगा, और आपको पैसे दिलाऊंगा। मैं जरूर करता हूँ सर आपको, आपने 6 करोड़ रुपए मंजूर करवाए झुग्गी के अंदर जहां पर बिजली नहीं वाले पाने के लिए। और आज धोलाकुआ से लेके नेहरू प्लेस की तरफ चले जाओ, 350 करोड़ रुपए के रोडों के डेवलपमेंट के काम दिल्ली कैंट की विधानसभा में किए, 1,000 करोड़ रुपए का काम किया है। दिल्ली कैंट की पूरी विधानसभा आपकी सदा रही रहेगी, और आप की जो है ना जो शिक्षा के अंदर जो स्कूलों का जो बदलाव किया है उसके लिए तो पूरा दुनिया आपकी जो है ना मुरीद है, दूसरे देशों के अंदर भी बुला के आपको सम्मानित किया जाता है। और आज आपके हाथों से उन परिवारों को जो है ना सम्मान राशि मिलेगी, जिन परिवारों ने, जिन भाइयों ने हमारी एकता अखंडता हमारी रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उन परिवार सारे के सारे परिवार आज यहाँ आए हुए हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बात और कहना चाहूंगा इस माध्यम से, लोग पता नहीं कैसा कैसा प्रपंड रचे हैं, काम करना नहीं है, कहीं ड्रामेबाजी। दिल्ली के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं पर लाइट आती है, पानी की कोई समस्या है कैंट में? मीठा पानी आएगा? अभी तो उद्घाटन भी निकला, CM साहब आएंगे और उसका रिपोर्ट काटेंगे। 40 साल की डिमांड थी, 40 साल से नेता नारे फोड़ रहे थे और ड्रामा कर रहे थे, मीठा पानी लाएंगे। और उद्घाटन से पहले भी आदेश कर दिया दिल्ली सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री साहब ने, मैं उनसे चर्चा कर रहा था, उपमुख्यमंत्री साहब बोले अब भाई पानी चला दे, जब घुंडी में से पानी निकलेगा तो अपने आप पता चल जाएगा उद्घाटन होगा।
पूछना, बहुत सारे भोपी भाई आए हुए हैं, बहुत सारे चले गए हैं समय के हिसाब से। दिल्ली कैंट के अंदर जो एमबीएस के उपभोक्ता है, जो बिजली एमबीएस से लेते हैं, उनकी बिजली भरी करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने और मुख्यमंत्री साहब ने 100 करोड़ रुपए का ऑफर कर रखा है। और जितने भोपी भाई रह रहे हैं इनको भी पूरी दिल्ली की तरह भरी में बिजली दी जाए, और जल्द ही बिजली का काम कागज कार्रवाई चालू है, शुरू चीजें हो जाएगा। उस दिन माननीय डिप्टी सीएम साहब को मैं दोबारा से फौज के बीच में लेके आऊंगा और एमबीएस के उपभोक्ता के बीच में लेके आऊंगा, क्योंकि एमबीएस 9 रुपए के हिसाब से बिजली की दर लगाती है, 9 रुपए के हिसाब से कई सारे घरों में काम लगाई थे। आज हो ना देशभक्ति का माहौल है, और इस माहौल के अंदर मैं कहना चाहूंगा दिल्ली कैंट के अंदर कोई ऐसा काम नहीं बचा है, जो कहा वो किया, और उससे भी आगे बढ़ के इधर मुख्यमंत्री साहब ने जो काम किए हैं, मैं सदा और पूरा दिल्ली कैंट की जनता सदा सदा आपका ऋणी रहेगी, क्योंकि इस स्कूलों को तोड़ के नए बनाने के अलावा भी नराना गांव के अंदर 16 एकड़ जमीन के ऊपर जो ना नया स्कूल बनाने की कार्रवाई चालू है, पर वो स्कूल जो है अगला जो चुनाव के तुरंत बाद वहां पर नया स्कूल बनेगा। मोती बाग के अंदर 2 एकड़ जमीन पड़ी थी, वहां पर मैंने चर्चा की डिप्टी सीएम साहब के पास, पास वाले स्कूलों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, उस तकीब जमीन को दूसरे डिपार्टमेंट से लेके और स्कूल के नाम से उसकी मंजूरी करवा के उसके ऊपर कागज कार्रवाई और पैसे का काम शुरू कर दिया। ऐसे दोना ऐसा बदलाव लेके आए हैं, ऐसा बदलाव लेके आए हैं, एक बार कहने के बाद, एक बार चर्चा में लाने के बाद उस काम को होता ही नजर आता है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यही कहना चाहूंगा, अब दिल्ली कैंट की जनता सर आपकी बहुत बहुत दोना ऋणी है, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके, रोडों से लेके, और मैं ये कहूंगा गांव कोई भी गांव चंडीगढ़ से अगर कम हो, 5-6 गांव आप चंडीगढ़ के अंदर यात्रा करके आ जाना और दिल्ली कैंट के गांव के अंदर यात्रा करके आ जाना, घूम के देख के आ जाना हर एक गांव, और बैरम नगर गांव और ये सारे गांव के साथ साथ दोनों बाजार सर आप भी बाजार के भीड़ से निकल के आए हैं, पैरिस के बराबर हो रखा है, सफेद अगर सुई में धागा डाल लो ऐसा दिन निकला हुआ पूरा, सब जगह कैमरे, पानी, गलियां, शिवर, पार्क, हर सुविधा, हर वो चीज जो अच्छे से अच्छे जो शहरी क्षेत्र में होती थी वो आज यहाँ पे है। मैं देशभक्ति की दो लाइन कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ, उनसे पहले एक बार फिर मैं माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, नई दिल्ली डीसी मैम, एडीसी साहब, तमाम मेरे फौज के अधिकारी, फौजी साथी, दिल्ली कैंट के सभी गणमान्य नागरिक, माताएं बहने और शहीद परिवारों को मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ आप लोगों को, और कोई भी कभी भी कोई भी काम हो 24 घंटे 7 दिन दिल्ली की सरकार आप लोगों के साथ में खड़ी है, आप जब भी पुकारोगे उस समय आपके साथ खड़े मिलेंगे। मैं शहीदों के लिए दो लाइन कह के जो आजादी के दीवाने जो लाइन कहते थे उसी लाइन को मैं दोहराऊंगा, चलते भी गए कहते भी गए आजादी के दीवाने, जीना उसी का जीना है जो मरना वतन पर जाने। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, धन्यवाद, जय हिंद।